बकाया मानदेय नहीं मिला तो होगा अनशन। प्रदेश कार्यकारिणी में दी चेतावनी, जताया आक्रोश। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने ज्ञापन देकर दी चेतावनी, मनरेगा के लापरवाह अफसरों पर लगाया आरोप। हरदोई कार्यालय संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने बकाया मानदेय भुगतान कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त श्रम एवं रोजगार मनरेगा को दिया। इसमें जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमरान सिद्दीकी के साथ कृष्णपाल कुशवाहा, प्रवीण सिंह, अंकित तोमर आदि रोजगार सेवकों ने कहा कि वर्ष 2016-17 का मानदेय अब तक नहीं दिया गया है। कई बार अफसरों से मिलकर भुगतान करने के लिए समय दिया जा चुका है। सभी जनपदों में बकाया मानदेय दे दिया गया है, लेकिन हरदोई में देरी हो रही है। इसके चलते रोजगार सेवकों के काम करने के बावजूद उनको उनके हक से वंचित किया जा रहा है। शासन की मंशा थी कि दिवाली से पहले भुगतान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भुगतान संबंधित आदेश 25 अक्टूबर को ही ट्रेजरी के माध्यम से आहरण करने के लिए भेजा गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज भी पेमेंट बकाया है। रोजगार सेवकों ने कहा है कि भुगतान न मिलने से दिवाली का त्यौहार फीका रहा है। रोजगार सेवक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। भुगतान पाने के लिए वह दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संगठन ने निर्णय लिया है कि अगर मानदेय का भुगतान जल्द ना हुआ तो वह अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, ताकि कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे लापरवाह अधिकारी नींद से जागें। रोजगार सेवकों ने अफसरों को सुनाई खरी खोटी। रोजगार सेवकों ने भुगतान न मिलने से नाराज होकर अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर उदासीनता बरत रहे हैं, शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उच्च स्तर से कार्यवाही न करने के कारण बेलगाम हो गए हैं, इससे वह हतोत्साहित हैं। मनरेगा से कराए जा रहे विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। वहीं मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने की योजना भी प्रभावित हो रही है। यदि अधिकारियों का रवैया न सुधरा तो अब वह चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो शासन स्तर से भी शिकायत की जाएगी और प्रदेश स्तर पर आगामी आंदोलन करने की रणनीति भी तय की जाएगी।